हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे एक स्ट्रीट फूड मोमोज की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे मैंने थोड़े से डिफरेंट तरीके से बनाया है। इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने दो तरह का डो बनाया है। पहले तरह के डो के लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, ये वाइट डो बनेगा। साथ ही मैंने 1/2 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून ऑयल है, और फिर अच्छे से मिक्स किया। ध्यान रखें, यहाँ पर मोयन नहीं देना है, सिर्फ मिक्स करना है। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर नरम आटा लगाना है। इसे अच्छे से टक करते हुए स्मूथ होने तक नीट करें और फिर इसे कवर कर 1 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर दूसरे डो की तरफ आते हैं। दूसरे डो के लिए मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, जिसमें मैंने पालक का जूस पानी में डाइल्यूट करके डाला है और इसे मिलाते हुए अच्छे से मिक्स करते हुए एक स्मूथ डो बना लिया है। पालक का कड़वापन खत्म करने के लिए ही मैंने 1 हिस्से पालक के जूस को 3 हिस्सा पानी में मिलाकर डाइल्यूट किया है और फिर इसे 1 आवर के लिए छोड़ दिया है। जब तक कि ये रेस्ट पर है, मैं स्टफिंग पर आ जाती हूँ। एक टेबलस्पून ऑयल मैंने गर्म पैन में डाला है। तेल थोड़ा गर्म होने के बाद 1/2 मीडियम साइज का प्याज मैंने बहुत ही बारीक चॉप करके डाला है। इसे मैं तब तक फ्राई करूंगी जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। फ्लेम मैंने मीडियम रखी है और अब इसमें मैंने 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट डाला है। इसका कच्चापन खत्म होने तक मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। फ्राई करने के बाद मैंने इसमें 1 कप बारीक कद्दूकस की हुई पत्ता गोभी डाली है। 1/2 कप मैंने इसमें बारीक कद्दूकस किया हुआ गाजर डाला है। इसे अच्छे से फ्राई किया है। उसके बाद से मैंने इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, नमक स्वाद के अनुसार डालें, मैंने 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा नमक डाला है। इसे अच्छे से मिक्स किया है। अब फ्लेम मैंने मीडियम हाई कर दी है। फिर इसमें मैंने 1 टीस्पून सोया सॉस डाला है, अच्छे से मिक्स किया है। थोड़ी देर के लिए मैंने इसे मीडियम हाई पर ही 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने रखा है और अभी ये स्टफिंग रेडी हो गई है, जिसे मैंने ठंडा होने के लिए साइड में रख दिया है। अब डो की तरफ आते हैं। 1 घंटे बाद मैंने डो को अनकवर किया है। इसे फिर मैं 2 मिनट के लिए गूंथ रही हूँ, जिससे कि ये स्मूथ हो जाए। फिर मैंने काउंटर पर थोड़ा सा मैदा छिड़का है और पहले ग्रीन डो का एक पोर्शन लिया है। इसे मुझे थोड़ा सा लंबा बेलना है इस तरह से। फिर वाइट डो से एक सिलेंड्रिकल पोर्शन लेकर मैंने इसे अच्छे से रोल किया है और अब मैं इसके किनारे निकाल दे रही हूँ। कट कर दिया है मैंने इसके एजेस को। फिर मैं इसे छोटे छोटे पोर्शंस कट कर रही हूँ। अब हर एक पोर्शन को मैं अच्छे से रोल करूँगी पूरी के शेप में। इसे बहुत ज़्यादा पतला या बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस होनी चाहिए। फिर 1 स्पून मैंने स्टफिंग का डाला है इसके सेंटर में और अब मैं इसे पोटली की शेप दे रही हूँ। ये बहुत ही इजी फोल्डिंग है मोमोज की। इस वीडियो में मैंने 2 फोल्डिंग्स बताई है, 1 पोटली शेप की और 1 आप आगे देखेंगे, ये देखिए, और दूसरा मैंने इस तरह से इसे फोल्ड किया है फ्रेंच ब्रेड की तरह। जब तक मैं ये सारी फोल्डिंग्स कर रही थी, मैंने पानी को गर्म होने रखा था 1 कंटेनर में, उस पर 1 बड़ा सा छन्नी रखा है। अब मैं ये सारे डम्पलिंग्स इस पर डाल रही हूँ।
मोमोज रखने के बाद मैंने इसे कवर किया है। मैं इसे 5 से 7 मिनट के लिए कुक करूंगी। सात मिनट के लिए मैंने करीब इसे स्टीम होने रख दिया है। 7 मिनट के बाद मैंने लिड हटाई है और ये मोमोज बिल्कुल रेडी हैं। ये देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया है। चटनी की रेसिपी मैंने शेयर की है एक दूसरे वीडियो में, प्लीज़ आप उसे ज़रूर देखें। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन हिट करें, एंड इफ़ यू हैव एनी कॉमेंट्स प्लीज़ डू शेयर विथ मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।